गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 8 बजे हैं और जयपुर के अंदर ख़तरनाक वाली ठंड हो रखी है। मैं आपको फोग दिखाता हूँ, आप मेरे मुंह से भी देख सकते हैं। और ये देखिए, शायद ही कुछ 30 मीटर के आगे कुछ नज़र आ रहा है। और मैं आ गया हूँ अपनी एकेडमी के अंदर एक्सरसाइज के लिए। अभी सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों से थोड़ा सा वेट लॉस करने का मूड है और थोड़ा सा बेटर फिट और ज़्यादा। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए कितना विजिबिलिटी, देखिए थोड़ा सा गर्म ले लो जाते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लें फटाफट, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, थोड़ी ठंड कम लगे। और इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, जॉगिंग। वैसे भी मेरा ये मानना है कि जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो आपके पास में जॉगिंग से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। थोड़ा तेज़ कदमों से आप चल सकते हैं, थोड़ा तेज़ दौड़ सकते हैं, बीच बीच में अगर लगे कि थकावट हो रही है देन टेक अ ब्रेक। और ऐसी ठंड के अंदर वाओ ग्रेट, जैसे खून का दौरा बढ़ रहा है इसके अंदर, बॉडी के अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि चाहे मौसम कैसा भी हो, अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं और एक्सरसाइज के लिए निकल सकते हैं तो इसकी फीलिंग और इसके प्लेजर का कोई मुकाबला ही नहीं है। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करता हूँ। पांच राउंड हो गए हैं और अच्छा खासा वार्म अप हो गया हूँ, बढ़िया गर्मी लगने लगी, पसीना आ रहा है थोड़ा। और देखिए ना, स्पोर्ट्स का ही इम्पोर्टेंस देखिए आप। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, पेरेंट्स को, कि जितनी ज़रूरी जैसे पढ़ाई है, आप अपने बच्चे को 1 घंटा पर डे उसको एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़रूर डालिए। फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरा फोग है, ये अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं और टायर को उठा उठा करके फेंक रहे हैं। और इनमें से एक लड़का जरा सा थोड़ा सीनियर है, कोई ज़्यादा एज का अंतर नहीं है, वो दूसरे को बोल रहा है तू गलत कर रहा है, अगर अब की बार गलत करा तो चांटा मार दूंगा। और वो उसे सिखाने की क्या, उसके जज्बा जो देखा है मैंने, उसका जो ये सेंटेंस सुना है, देखिएगा आप अभी। तो ये जो वाइट टी शर्ट में लड़का है, ये थोड़ा सीनियर है इनसे, और मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा सीनियर होगा। बट यहाँ पर जो एक आपके पास में जो एक टीम वाली जो फीलिंग आती है ना, टीम वाली, आप गेम में जाते हैं एक टीम की तरह से, आप हारते हैं जीतते हैं, साथ में जीतते हो साथ में हारते हो, साथ में रोते हैं और साथ में गमों को भी भुलाते हैं। कहने का मतलब यही है कि फिजिकल एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को समझिए, अपने बच्चे को इंगेज कीजिए किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जहाँ पर एक बार उसका आनंद देख लो आप, उसे किस चीज़ में रुचि है। बैडमिंटन हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, कोई भी गेम, आपका बच्चे को मेरे विचार से आपको ज़रूर किसी एक गेम के अंदर, एक स्पोर्ट्स के अंदर उसको इंगेज कराइए और दिन का 1 घंटा उसको डेडिकेटेडली उसमें उसे मोटिवेट कीजिए। ये केवल स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सोचते हैं इसमें क्या कैरियर है, हर समय बात कैरियर की नहीं आती है, बात आती है बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ की, उसके उसका जो पर्सनालिटी है उसके निकल के आने की। वो आने वाले, जैसे शायद मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बच्चे जो शुरुआत से इंगेज रहे हैं, अच्छे से हैंडल करते हैं अपोजिट सर्कमस्टांसेस को, उन्होंने हार देखी होती है, जो रेगुलरली मैंने बहुत गेम खेले, और एज ए टीममेट सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। किसी से कोई गलती भी हो गई है तो साथ वाले आकर शुरू में डांटते भी हैं, उसको भी वो सहन करते हैं, मैच ख़त्म होने के बाद साथ बैठते हैं, मज़े करते हैं, और जो गलतियाँ होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन भी होता है।
तो दोस्तों आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया, काफ़ी मज़ा आया। लगभग 45 मिनट मैंने अच्छे से 5-6 राउंड लगाए, उसके बाद में अच्छी स्ट्रेचिंग करी और फिर बॉलिंग की प्रैक्टिस करी। फोग था इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, बैटिंग तो करी नहीं जा सकती थी, लेकिन एनीवे जो मेरा टारगेट था, जो मुझे करना था, उसमें बहुत आनंद आया। और अब घर जा रहे हैं, मज़ेदार सेशन रहा, कल फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे।